नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। केंद्र विद्यालय में जैसा बताया गया था आपको कि भर्ती आने वाली है और जल्द ही आपको पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर एक नोटिस देने आया हूं कि जो ये आरटीआई का रिप्लाई मांगा गया था, ये एक आरटीआई डाला गया था वैकेंसी से रिलेटेड, उसका रिप्लाई केवीएस के द्वारा दिया गया है और उसमें बताया गया है कि आखिर पीआरटी की नई वैकेंसी कितने पदों के लिए आएगी। जो बोला गया है कि इतने पद रिक्त हैं, उसमें देखते हैं कि कितने पदों के लिए आएगी। तो एक बार फिर से आप सभी लोग कमर कस लीजिए कि पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है। साथ ही साथ केवीएस में पहले आपको मैंने वहां पर आप लोग सर ने आपको बताया था कि केवीएस ने अपना एक पूरा का पूरा वो निकाला था कि जो किस पोस्ट के लिए कितनी जगह वैकेंट है, कहां कहां पे किस केवीएस में। तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 10,000 से प्लस जो है आपकी टीचिंग नॉन टीचिंग सब मिला के वैकेंसी थी। तो जब भी वैकेंसी आएगी, जो नोटिफिकेशन आएगा, उसमें टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग के पद भी आते हैं। तो अभी जो ये आरटीआई है वो पीआरटी के लिए है। तो पीआरटी की कितनी वैकेंसी आएगी वो आपके सामने है। देखिए एकदम की 5,241 पद, ये आपके आरटीआई का रिप्लाई है। 1/6 यहां पर ये बोला है कि 1/6/2023 तक केवीएस टेंटेटिव पोस्ट एज ऑन डेट 1/6/2023 इज गिवन बिलो, पीआरटी का कितना दिया है 5,241 पद क्या है पीआरटी के खाली हैं। तो जो भी इसकी आहार्ता रखते हैं, क्योंकि बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया था पिछली बार ही, जो बच्चों ने अप्लाई किया था, फॉर्म दिया था, लेकिन एग्जाम भी दिया था, रिजल्ट बीएड वालों का रोक दिया गया था क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था। तो अब यहां पे ये क्लियर है कि ये पीआरटी वैकेंसी जितने भी हमारे बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, इनके लिए फिर से एक बहुत ही बेहतरीन मौका आ रहा है कि आप केवीएस में पीआरटी के टीचर बन सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या टीजीटी पीजीटी नहीं आएगी? टीजीटी पीजीटी के भी पद आएंगे, नॉन टीचिंग के पद भी आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो सभी एक बार फिर से वैकेंसी एक बार फिर केवीएस की आएगी। तो अभी पीआरटी की जानकारी यहां पर मिली है जो आपका यहां पर 5,241 पद है। तो ओवरऑल ऑलमोस्ट इतना मान के चलो कि जब भी केवीएस का नोटिफिकेशन आएगा वो आपके 7-8 हजार के आसपास पदों का हो सकता है आए। कुछ कहा नहीं जा सकता कि इतने पद टीचिंग नॉन टीचिंग मिला के 5,000 प्लस या 7,000 प्लस तो वैकेंसी आ सकती। अभी तो ये बोल रहे हैं कि इतने पद खाली हैं, लेकिन क्या इसमें भरते हैं, क्या टोटल पूरा का पूरा निकाल देंगे या नहीं निकालेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जैसे कोई और नई इंफॉर्मेशन आएगी मैं जरूर आपके समक्ष आऊंगा डिटेल बताने के लिए। इसकी आहार्ता यही है कि सिंपल सा कि जो बीटीसी और डीएलएड किया हुआ है वो पीआरटी का फॉर्म भर सकता है। तो आप लोग तैयारी में आज से ही जुट जाइए, क्योंकि ये टाइम नहीं देता है। आप पिछली बार वैकेंसी देखिए, ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन के 1.5 महीने बाद, 1.5 से 2 महीने बाद जब भी नोटिफिकेशन आएगा, ये ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन के 2 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम हो जाएगा। 1.5 से 2 महीने के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखिए इसके लिए। और नोटिफिकेशन कब आएगा इसका, केवीएस के नोटिफिकेशन कब आएंगे, तो ये ध्यान रखिए कि जुलाई के अंत तक हम कह सकते हैं कि इनके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि जुलाई अगस्त तक आपके नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बाकी जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, एक केवीएस के पीआरटी की एलिजिबिलिटी सिलेबस, इन सब पर एक अलग से वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। तो बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी आपको जानना होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्याएं होंगे उसका समाधान किया जाए। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।